चलिए बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की चिंगारी फिर से सुलगने लगी है। आरक्षण पर हाईकोर्ट के स्टे से नाराज जाटों ने 5 जून से आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है, जिसके बाद राज्य में खट्टर सरकार भी हरकत में आ गई है। कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है, साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की जा रही है। हरियाणा में आरक्षण की मांग कर रहे जाट एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में हैं। जाट नेताओं ने 5 जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए हरियाणा की खट्टर सरकार भी तैयारियों में जुट गई है। हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। आंदोलनकारियों से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की 10 कंपनी बुलाई गई हैं। अर्धसैनिक बलों को सोनीपत, रोहतक, झज्जर, जिंद और फतेहाबाद जैसी संवेदनशील जगहों पर तैनात किया जा रहा है। मुनक नहर के आसपास भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। लगभग 3 महीने पहले जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए आखिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखने के लिए हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब हमने मौजूद रखी हैं। मैं मानकर चलता हूं कि इस प्रकार की कोई बात इस बार नहीं होगी। हमारी बातचीत भी उन लोगों से चली है और उन्हें आश्वासन दिलाया है कि हम शांतिपूर्वक धरने करेंगे। पिछले दिनों जाट समेत 6 जातियों को दिए गए आरक्षण पर हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। जाट नेताओं का आरोप है कि हरियाणा सरकार ने कोर्ट में सही तरीके से उनका पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से आरक्षण पर स्टे लगा है। उधर विरोधी दल भी अब जाट आरक्षण को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। लोग इस बात से डरे हुए हैं कि जो पिछली बार जो घटना हुई जाट आंदोलन के समय, कहीं वैसा ही आंदोलन ना फिर दोबारा हो और जिससे लोगों की जान माल सब कुछ खतरे में पड़ जाए। भाजपा की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। एक तरफ जाट नेताओं को आरक्षण के लिए उकसाती है, दूसरी तरफ अन्य पिछड़ी जातियों के नेताओं से आरक्षण का विरोध कराती है। जाट आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 21 जुलाई को होनी है। ऐसे में जाट जहां सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हैं, तो वहीं हरियाणा की बीजेपी सरकार के लिए जाट आरक्षण का मसला गले में फंसी हड्डी जैसा बन गया है, जिसे वो ना तो निगल पा रही है और ना ही उगल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।